एक बंदा मोया सी गरदारा सिंह, एक मोया सी भाई भोला सिंह ग्रंथी जेड़ा ग्रंथ पढ़ाउंदा। अच्छा। एक वो मरिया सी, एक मरिया सी दौलत राम खत्री। मैं कोठे दे उते झंडा लाउंदा पिया सां जदों पहला फायर इधरों होया। जुम्मे खां पठान सी जोध के मीरापुर उस इलाके दे जितने लोकल आदमी सन बंदे लैके पै गए रिसाले। उन्हें जमीन से लीक मार देनी। अच्छा। भाई आप मुसलमान से हिंदू की लीक दिल करदा इधर टप जाओ, दिल करदा इधर टप जाओ, मुसलमान किधर उधर टप्पण। सिखा नु पता लगा वो सारे जुड़ के पांच दस बंदे बुजुर्ग आ गए। उन्हें आख्या भी असी लड़दे खुलदे सौ वारी रहिए पर आ काम आसानी करन देना। करतार सिंह सोढ़ी का लाले सुंदरदास का मुकाबला आया बोली से। तकरीबन 10 लाख के बच्चे लाला सुंदरदास जमीन 34 मरबे लै गया, कोठी काठी बाग बूग सारे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं तुहाडा वीर अब्बास लाशारी ते तुसी जुड़े हो सांझे वेले चैनल दे नाल। सांझे वेले चैनल दे राही असी तुहाडे नाल सन 47 दे उस दुखांत नूं सांझा करीदा है जिस नूं पंजाब दे जायां ने अपने जुस्सियां ते हंडाया। अज उन्हां ही यादां नूं ताज़ियां करन वास्ते मैं एक बजुर्गां दे कोल आन बैठा वां ते आओ उन्हां दे नाल उस सांझे वेले दियां यादां नूं ताज़ा करने आ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल चाल है? ठीक ठाक। अल्लाह दा एहसान है, तुसी सुनाओ जी। अल्लाह दी रहमत, बिल्कुल ठीक। बाबा जी ये दसो अपना की नाँ है? मेरा नाम नूर हुसैन है जी। ते तुहाडे अब्बा जी दा? मोहम्मद खान जी। ते तुहाडे दादा जी दा? मसन खान। ते अपनी बिरादरी केड़ी है? पट्टी जी, राजपूत पट्टी। अच्छा। ते बाबा जी इस टाइम असी किहड़े पिंड च बैठे हैं? चक चार रिसाला अपर चनाब केनाल नहर दा। अच्छा। ते ये पिंड जिहड़ा है ये किहड़े जिले विच है? ये शेखूपुर जी। ते तहसील? तहसील अगे ननकाणा सी, हुण शेखूपुर है। अच्छा। ते बाबा जी ये दसो कि ये जिहड़ा चार चक रिसाला है, हाँ जी, ये किहड़े सन विच आबाद होया? ये जी 1213 च। 1912-13 च। अच्छा। ते इंदा नाम रसाला क्यों रखा गया? ये जी पहले गवर्नमेंट ने बरतानिया के जमाने च उन्होंने मखसूस रखा सी, घोड़िया का रसाला बनाया सन। अच्छा। उस जमाने च घोड़िया से करते सन असला मसला पहुँचा, राशन माशन गड्डिया अपनी गड्डिया जीपा तो थोड़िया होंगे सन जी। तो ये फिर इतने रसाला बनाया, घोड़े रखे। अच्छा। पहला रसालदार उन्हें कलिया सरदार ठाकर सिंह। अच्छा जी। वो फिर तबादला हो गया, फिर सरदार दीन मोहम्मद आ गया। अच्छा। ये इलाका सी मच्छर मक्खी वाला, ठीक है, इतने घोड़िया ने बीमारी एक फेटा होंगी हो जाती थी। सही है। वो फिर घोड़े मरण लग पाए, वो फिर गवर्नमेंट ने रिसाला कैंसल करता, खत्म कर देता। अच्छा। ये जड़ी जमीन सी ये कुछ आबादकारा लोगों दे दी, कुछ जड़े फौजी सन सन 14 की जंग वाले अतियादार उन्होंने दे दी। तो ये दसो कि जो आबादकारी हुई है, हाँ जी, तो किड़े किड़े मजहब तो किड़िया किड़िया कौमों के लोग आके इस चक दे विच आबाद हुए? इस चक दे विच अक्सरीयत सिख बिरादरी सी, लबाणे सिख सन। अच्छा। बाकी एक घर राइया का सी। अच्छा। दो घर चरेड़िया के सन। अच्छा जी। तीन चार घर गुराया के सन। अच्छा। एक साडा घर पटिया का सी, एक राई का सी रामे का, बाकी सिख सन सारे। कुछ ईसाई कौम भी सन, बेमालक सन। ठीक है। बाकी घर कोई कारीगर के हो गए? और कौन मिस्त्री कारीगर लोहार तरखाण भी है सन। तुसी दस्या है कि जेडे इत्थे सिख आबाद सन, हाँ जी हाँ जी, वो उन्हां दी गोत लबाणा सी? लबाणा। ते खत्रियां दे भी घर आए सन? खत्री 6-7 घर सन। अच्छा। एक दे नां सी आत्मा राम। अच्छा जी। एक दे नां सी लाभदास, एक सी मुंशी, एक उहदा भरा सी तुलसी। अच्छा। एक सी अपना दौलत राम। अच्छा जी। एक सी चंदा ते एक जीवंदा। अच्छा। एक बाबा रसिया राम। अच्छा। ये खत्री सन, तो 6 दुकाना सन घर दियाँ। एक डॉक्टर दरियाई लाल भी होंगे सी इतने। अच्छा। वो डॉक्टर सी? वो डॉक्टर सी, डॉक्टरी का काम करता सी। खत्री सी, दरियाई लाल हों नाम।
ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਂਭ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੁਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਉਸ ਲਈ ਮਰੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਲਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਵੰਡ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੁਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਠੱਕਿਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਆਬਾਦ ਸਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਫੇਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨਦਾਰੀ ਸਰਦੇਨ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਦੋ ਸਨ ਦੋ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਵਾਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਫੇਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਦੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਗਾਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਮਾਂਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰੈਣ ਦਾ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਤਰਖਾਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਨ ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ ਰਠੌੜ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖ ਸਿੰਘ ਸੀ ਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ ਧੰਨ ਕੌਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਗਤੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ ਧੰਨ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਭਗਤੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮਾਲਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਮੁਰੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਦੋ ਮੁਰੱਬੇ ਸਨ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ ਧੰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਦੋ ਮੁਰੱਬੇ ਸਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਅਤੇ 60 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸਨ 60 ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਸਨ ਹੋਰ 63 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸਨ 63 ਬਾਕੀ ਆ ਕੋਈ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਬਾਹਮਣ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸਨ ਕਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀ ਨਾਂ ਬੁੱਲ ਬੁੱਲ ਗਏ ਨਿਮਾਲਾ ਉਸ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਮਰ 88 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਰਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦੇ ਸਨ ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਹਾਣ ਦੇ ਸਨ ਨਿੱਕੇ ਹੀ ਸਨ ਅੱਛਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਬਰਟਨ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਜੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ
उतों ही सौदा सादा खरीद के लियाना। कुछ माड़ा मोटा दाल रोटी जी उरा भर आती से पिंड चु खतरिया की दुकाना तो मिल जाती थी। ये वार बटन उदों भी यही ना सी वार बटन। वार बटन जड़ा है ये चक के 572 इनका नंबर है। अच्छा, ये अंग्रेज वार बटन जड़ा है 1870 च पोलिटिकल एजेंट भर्ती होया है। अच्छा, ये रहा है पिशावर साइड से उधर ही सारी सर्विस 27 साल उधर रहा है। अच्छा जी, तो सन 1897 के SP उन्होंने बनाता। अच्छा, पुलिस का ठीक है। इन्हें जरैम से बड़ा कंट्रोल किया। फिर वार बटन ने 1900 च रिटायर हो गया। सही है, 1900 रिटायर होने बाद गवर्नमेंट बरतानिया ने ये वार बटन जड़ा है चक नंबर 572 है चक सी। इतने 34 मरबे जमीन गौरमेंट बरतानिया ने कारकरदगी जीती। अच्छा, उन्हें वार बटन रेलवे लाइन तो परले पासे कोठी भी बनाई, बाग भी लाया, घोड़े रखे सन, मुलाजमान के क्वार्टर शवाटर भी उन्हें बनाए, जमीन की आबादकारी भी उन्हें शुरू कर दी। सही है, 1908 शोरकोट लाहौर रेलवे लाइन निकली। अच्छा, ये फिर स्टेशन उन्हें ना का बनया वार बटन। वार बटन, अच्छा, इतने मंडी भी उन्हें बनवाई वार बटन गला मंडी। अच्छा, शहर बन गया। ठीक है, फिर इतने हो रहा है आबादी जमीन की उन्हें कराई, शहर बनाया, मंडी बनाई। उस तो बाद 1915 घोड़े से डेग के वार बटन मर गया। अच्छा, उनका अखबार जिक्र आया सी उनके पुत्रां का नाम कोरी सी, उनकी बच्ची का नाम सी मैरी दुरानी। अच्छा, 1915 to 1921 तक मैरी दुरानी ने जमीन की देखभाल की थी। उस बाद उन्हें जमीन अखबार देता, अखबार इश्तहार देता वो मैं अपनी जमीन बेचनी चाहनी हाँ। अच्छा, एक लाला सुंदर दास सी डेंगे ने गुजरात कस्बा डेंगे उतों का। बिल्कुल है, वो बोली दे उत्ते तारीख अखबार पढ़ के तो भी आ गया बोली दे टाइम से। अच्छा, एक वार बंडर के नाल इधरले पासे सोढ़ियां दा आता है, इतने सोधी सोढ़ी सन उन्होंने 20 मरबे जमीन सी वो भी हुकूमत ने दी सी उन्होंने। करतार सिंह सोढ़ी का लाले सुंदरदास का मुकाबला होया बोली से, जमीन की बोली से लिखा सी तकरीबन 10 लाख के विच लाला सुंदरदास जमीन 34 मरबे लै गया, कोठी काठी बाग बूग सारे हर शह विच हर शह लाला सुंदरदास लै गया। तो जी मैरी दुरानी सी जमीन वेच के चली गई इंग्लैंड। अच्छा, 3-4 साल बाद लाले सुंदरदास ने दावा किया भाई वार बटन की तमाम जायदाद मैं खरीद ली, चला गया इतों, लिहाजा स्टेशन मेरे ना से होना चाहिए। अच्छा, हाई कोर्ट ने तलब किया उनकी बेटी नू मैरी दुरानी नू। अच्छा, उन्हें आके बयान दिता अदालत, उस सारे ठीक कहता है मैं तमाम जायदाद बेच दी मगर प्यो का ना नहीं बेचिया। वार बटन मेरे प्यो के ना से स्टेशन रहना चाहिए, उसका हाल उनके प्यो के ना से ही आ रहा है। अजान हो ले, हाँ जी अजान हो ले। अच्छा अच्छा, वो गल चल रही थी वार बटन वाली कि जिस टाइम वो मैरी नू बुलाया अदालत ने। हाँ जी, अदालत ने बुलाया, मैरी ने बयान दिता भी मैं ये ठीक कहता है मैं जायदाद जायदाद सारी बेच दी इन्हें खरीद ली मगर मैं बाप का ना नहीं बेचिया। सही, स्टेशन मेरे बाप के ना से रहना चाहिए। वो फिर अजे तक भी स्टेशन बाबे के ना से ला रहे उनके ना से वार बटन के ना से। अच्छा अच्छा, पिंड मसीत किनिया सन? दो जी, 47 तो पहले एक मसीत बनाई सी सरदार दी जड़ा सी ना दीन मोहम्मद रिसालदार उन्हें। अच्छा, पिंड तो उस पासे कच्ची मस्जिद है इसलिए बड़ी वड्डी जामिया मस्जिद ही। अच्छा, यह जड़ी मस्जिद है मेरे बाप ने सन 45 बनाई सी। अच्छा, यह जड़ी पिंड तो 2 साल पहले। हाँ जी, ये मेरे अपने बेली जी बनाई थी मेरे बाप ने। ते पिंड दे विच गुरुद्वारा है सी? है सी। किन्ने सन गुरुद्वारे? इको ही गुरुद्वारा सी। अच्छा, काफ़ी बड़ा सारा आता सी। अच्छा, ते उन दे विच बाबा बिल्डिंग सी, ऐसे कच्चिया बिल्डिंग है। अच्छा, भाई का भी उत्थे मकान सी जिहड़ा गुरुद्वारा उन्हां दा ग्रंथी सी उन्हां दा भी मकान विच ही सी। अच्छा, एक साइड से गुरुद्वारा सी चन्ना सी जिहड़े गुरुद्वारे दी जिहड़े सेवा करदे सन उन्हां दा की नाम भाई पोला सिंह ग्रंथी। भाई पोला सिंह ग्रंथी। हाँ जी हाँ जी। 47 तो पहले आपस में सांझ किवें दी सी? साड़ी दोनों लोगों का वसेब। हाँ जी, बड़ा सलूक सी। अच्छा, ते सादगी का जमाना सी। अच्छा, बंदे एक दूजे का हया ते इज्जत करते सन। ठीक है, एक दूजे नु कम देने लेने।
एक दूजे दियां वंगारां करनियां, तैनू जरूरत है तू मैनू बुला लिया, मैनू जरूरत है मैं तैनू बुला लिया, गमियां शादियां शामिल होना, व्याहां शादियां गमियां शादियां शामिल होना, सलूक प्यार नहीं, कोई गलतियां लड़ाइया नहीं सन, गलत काम नहीं सन लोग करते, सादा लोग सन। उस वेले की कोई सांझ की गल सुनाओ जी। उस वेले की सांझ का यह तरीकाकार सी, रल वसते कदे बोल बुलारा या कदे कटवा दे नाराज भी हो जाना। मेरी फूफी की शादी सी, अच्छा, असा मीरांपुर जोध के पिंड पिरादरी साढ़े जटके लोगों के पिंड सन, उत्थे सरिया गलिया, उन्होंने चार पाइया गल दीतियां इत्थे, अच्छा, सिखा नूं पता लगा, वो सारे जुड़ के पांच दस बंदे बजुर्ग आ गए, उन्हें आख्या भी असी लड़ते खुड़ते सौ वारी रहीए पर आ काम असा नहीं कर देना, वाह, असा चार पाइया बाहर दियां लिया के नहीं काम होने देना। उन्हें अपने मुंडिया जवानों नूं सद्या, उन्हें आख्या भी सारे घरां दे विचों चार पाइया लिया के इत्थे रखो, वाह, जिहड़ियां चार पाइया बाहरों आईया सन उन्होंने उन्होंने आख्या बस तुहानूं इस चाई पा चार पाई तो परौणिआं नूं नहीं सौण देना, असा अपनियां चार पाइया तो सवाउणा है, वो तुहाडे जवाई नहीं साडा जवाई आ रहा है, वाह जी, साडी थी इस तरह का वसेब सी उस वेले। बड़ी गल है, बड़ी गल है। हाँ जी, ये सादे दौर सन, सादे लोग जी, बिल्कुल बहुत अच्छे सादे दौर, हाँ, प्यार मोहब्बत दे दौर, प्यार मोहब्बत, बहुत सादे, एक दूसरे दी, हाँ, दूसरे दी धी नूं ओंदी धी नहीं अपनी धी समझनी, बिल्कुल, वाह जी वाह, वाह जी वाह, कमाल। कोई बुढ़ा ठेरा होवे, कोई माई बुढ़ी होवे, मुसलमान होवे या हिंदू होवे, उन्हें उहदा साथ देना, फड़ के चुक के अगा पिछा ले जाना, घर पहुँचाउणा, अगे पिछे ले जाना, यह भी काम सी। मेल वर्तन किवें दा सी? मेल वर्तन बिरादरी वांग ही सी, शादियां गमियां ते जाना होना, अच्छा, असी सिखां लुनी सा खांदे, सिख साढ़े लुनी सड़ खांदे, उंज भुगताना है मेल शादियां, सारा कुछ करना, कच्चा राशन एक दूसरे नूं देना है, कच्चा राशन भी किते दिता किते ना दिता कोई एडी गल नहीं, अच्छा, जाना जरूर है, न्योंदरा भाजी पाउणी है, आ जाना। तुहानू ये पता सी घर च गल हुंदी होवे कि पाकिस्तान बनन दिया, हिंदुस्तान बनन दिया, ये कोई गल तुसी सुनी सी जी? सन 46 वाला इलेक्शन में मैं वेख्या, अच्छा, सन 46 वाला बड़ा याद है, बड़ा याद है, एक शहादत बहादुर का सी कोट कमीर दा, अच्छा, वो मुस्लिम लीग वाल खड़ोता सी, आ मियां हुसैन अली होयकियां दा जहलदार सी, ये यूनियनिस्ट वाल अंग्रेजा वाल खड़ोता सी, अच्छा, ते वो इलेक्शन हुंदा सी, वो लोग घोड़ियां ते आउंदे ने सन, अच्छा, वो मुसलमाना ने आके ने एक बंदा रखिया सी, उहदा हाथी डांग हुंदी सी, उन्हें जमीन से लीक मार देनी, अच्छा, भाई आ मुसलमान तो हिंदू की लीक है, दिल करता इधर टप जाओ, दिल करता इधर टप जाओ, मुसलमान किधर उधर टप्पण, वो फिर अंग्रेजा की जी सीट सी ना वो हार गई सी, तो मुस्लिम लीग का शहादत बखू का जित गया सी कोट कमीर वाला, सिवा हिंदुआ तू सिख कांग्रेस वाले सुनो मैंने लीडर का ना नहीं याद, अच्छा, तो यूनियनिस्ट का मुइया हुसैन अली जहलदार सी, नहीं तो तुसी सपोर्ट जी मुस्लिम लीग की की? हाँ जी, मुस्लिम लीग की, नंबरदार भी सी पिंड दे, तुहाडे ते प्रेशर ते बड़ा होना है, बिल्कुल प्रेशर भी बड़ा सी, एक मेरे वालद ने वोट दिता सी यूनियनिस्ट नूं प्रेशर की वजह तो, अच्छा, मेरा चाचा मेरे दो चाचे सन उन्हें सारिया ने गढ़ के वोट दिता सी, इतने एक विरक हुंदा सी खैरदीन, अच्छा, वो वोट पाउन गया तो मियां हुसैन अली सिद्धूकड़ी के उत्ते खड़ाया, होए की इलेक्शन सी उत्थे पोलिंग स्टेशन से होए की, अच्छा, हुकूमत का वो कैंडीडेट से उन्होंने उन्हें रैत दी उ जाकर सदुकड़ी से खड़ोता आया, अच्छा, भाई लोग डरते भी मेरे से हूँ वोट इधर पाउन गए, अच्छा, वो खैरदीन विरक वेख के ना जहलदार पिछा नस आया, अच्छा, उन्हें मेरे चाचे ने आख्या भी उत्ते तो सदुकड़ी से मियाँ हुसैन अली खड़ोता है, मैं वोट किस तरह पावा, मेरे चाचा आंदा आ मेरे नाल लै गया, आख्या मुस्लिम लीग की सदुकड़ी से पा वोट, मैं तेन पुआना वेखी जाएगी जी जहलदार करेगा, इस तरह फिर वोट पाया। ये तुहानू पता लग गया सी कि पाकिस्तान बनन, बिल्कुल बिल्कुल बन दिया पता लग गया, तो फिर हालात किवें दे बने अपने पिंड दे जदों वंड हुई हाल, इस तरह हालात इस तरह के बने, पाकिस्तान बन गया, ऐलान हो गया, मुसलमान जेड़े सन ना गिरदो नवाह वाले, हाँ जी, उन्होंने आख्या भी जेडे मुसलमान हिंदुआ के पिंड सांझे ने ना, मुसलमान अपने घर के उत्ते झंडे लाओ सबज रंग दे, उन्होंने ऐलान कर दिता, उन्होंने ऐलान करता भी सबज रंग के झंडे लाओ इस वास्ते भी थोड़ा दफा हो सके, लुटमार होने लगे तो मते सारे तुम भी रगड़े जाओ नाल, अच्छा, निशानी लाओ, निशानी मैं कोठे के उत्ते झंडा लाता पाया, जो पहला फायर इधरों होया जुम्मे खां पठान सी जोध के मीरांपुर इस इलाके के जितने लोकल आदमी सन बंदे लैके पै गए रिसाले,
ਇਹ ਜੁਮਾ ਖਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੁਮਾ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਜੁਮਾ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਦਾ ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਸਨ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਪਠਾਨ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਸੀ 3.93 ਦੀ, ਉਸਨੇ ਬੰਦੂਕ ਰਾਈਫਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਸਾਂ, ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਈਆਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ, ਠੇਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੁੱਕ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੁੱਕ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚਲੇ ਚੁਲੇ। ਲੁੱਟਮਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸਨ। 3 ਬੰਦੇ? ਇੱਕ ਮਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਿਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਸੀ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ, ਇਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਪੰਚਕ ਨੱਸੇ, ਕਦੇ ਉਰਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰਾ ਉਧਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਆ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ, ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਕਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਜਾਬਰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਦਰਾ ਬੂਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਸ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸ਼ਾਮਿਲ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਮਦਰਦੀ, ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਬੇਵਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਸ ਨੁਸ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 5 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ? 5 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਲੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਪਏ ਸਨ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰ ਉਸ ਜਾ ਕੇ 5 ਪੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 5 ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, 4 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ 13-12 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਇਹ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਓ ਪੈ ਗਏ, ਜੁੰਮੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਕੜੇ ਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰੂਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੋਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ 250-300 ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਿਆ। 5 ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ, ਬੇਵਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਸਨ, 5 ਰਿਸਾਲੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ, ਬੇਵਾ, ਬੁੱਢੀਆਂ, ਠੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਲੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿੱਖੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿੱਖੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਾਂ ਝੂੜਕਾਣੇ ਕੈਂਪ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਆਖਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਯਤੂਮ ਸਨ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ? 10-7 ਦਿਨ, ਦੱਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਆਖਿਰ ਰਲ ਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ,
एक सी बहादुर सिंह, वो भी नंबरदार सी। अच्छा, कोई तरखान सन उत्थे। अच्छा, बाकी सिख ज्यादा। नंबरदार दा खानदान बच के टुर गया सी या नहीं, ये भी इत्थे मारे गए सन? नंबरदार जेड़ा सी ना आत्मा सिंह, हाँ जी, वो पहले ही मर गया सी पाकिस्तान बनन तो पहले ही। अच्छा, वो भी साडे बूहे ते मरिया सी बेचारा, टीबी का मरीज सी। अच्छा, उनका वाली बार कोई ना रहा, पुत्रां नूं भी टीबी सी मरीज, वो फिर साडे बूहे ते रहा। फिर जो मर गया उन्हें सिखा ने आख्या बस देना नप जे साड़ना जे तो चुक के लै जाओ। अच्छा, वो भी बेचारा इतें मरिया सी। अच्छा, उनका पुत्र है गुरबख्श सिंह सी। अच्छा, वो भी बेचारा साढ़े को रहा इतें ही मरिया। भैन भरा वाग तो साढ़ा वसेब सी उस सिखा का तो मुसलमान। मैनू ये दसो कि जो वंड हुई, हाँ जी, इतों वो चले गए, हाँ जी, अगों वो हिंदुस्तान भी पहुँच गए, हाँ जी, कोई परत के आया? आया सी, साढ़ा गुआढ़ी हों मेला सिंह। अच्छा, उनका पुत्र आया सी सरदार रणजीत सिंह, जीता जीता उन्होंने कहते हैं सन। अच्छा, वो बाद फिर उधर जाके जवान होया, फिर फौजी रिटायर होया, फौजी भर्ती होया। अच्छा, फिर रिटायर होया, फिर वो आया इतने मेले ते ननकाने। अच्छा, तो वापस जान लगा था मैं ख्याल आ गया मैं यार अपना पिंड से वेखाव। अच्छा, वो फिर आ गया इतने तीन, एक उनकी भैन सी। अच्छा, एक पणवईया एक नाल होर सी ते को आप सी। अच्छा, वो गड्डी ते तोड़े थे, असी लोकल असी सन, दूजे तो उन्होंने वाकफ को नहीं सन। अच्छा, वो ना इतने आ गए तोड़, असी इतने बैठे सा, वो इतों गड्डी खिलार के आ गए चारे जी। अच्छा, साहब सलामत मगर साहब सलामत जी। अच्छा जी, आओ जी। उन्हें आख्या भी मम्मन नंबरदार का पुत्र कहड़ा है? मख मैं हाँ। तेरा ना की? मख नूर मेरे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, उस मैं मेला सिंह का पुत्र जीता ते उचेचा आया मिलना। अच्छा, अपना घर वेखण की मैनू ख्वाहिश हुई ते मैं अज तुहाडे कोल आया, तुसी लोकल सो होर तो मेरा वाकफ को नहीं। मैं कह जी आउंदिया नूं असां उन्हां नूं चाह पानी सब कोई पियाया खियाया, खिदमत कीती। अच्छा, कहा मेरे नाल चलो मेरा घर विखाओ। असीं फिर उन्हें हाथा साढ़े नाल लिहाता सी, इधर ला सी लै गए उन्हें हाथे। अच्छा, उन्हें बूह वड़ के इन्हां ने सजदा किया थले अपने वेहड़े दे विच वड़ के। फिर वह आए, फिर बंदा जिथे जमया होवे प्यारी होंगी। हाँ बिल्कुल, फिर उन्हें रोटी अपना चाह शाह प्याई, रोटी उन्हें नहीं खाधी। अच्छा, फिर असा वो कपड़े दिते उस कुड़ी नू। अच्छा, वो कुड़ी आंदी मैं नहीं कपड़े लेने। मैं तू पुत्र क्यों नहीं लेने? आंदी हाँ मैं लेने ने। हाँ, मैनू हूं समझ आई मैं तो पेके घर आई हाँ, मैं इतों की जम पाला, मैं पिंड की धी हाँ, मैं पिंड की धी हाँ। उन्हें फिर कपड़े ले लाए। अच्छा, वो फिर चले गए। फिर उन्हें मैंने फोन नंबर दिता सी, दो चार बारी उन्होंने मेरा राबता भी होंदा रहा। अच्छा, फिर वो फोन एक बार मैं किया तो उन्हें दसिया भी वह बुआ बूई भी चली गई, बूई बूई बूए सदे न बूई बूई न। हाँ जी, तो बूआ जरा सरदार करतार सिंह भी आते रब न प्यारे हो गए। अच्छा, और भी ने साडे वाकफ वूकफ भी कुछ ना, फिर रबता बंद हो गया। अच्छा, दो चार बारी रबता उन्होंने मैं किया। अच्छा अच्छा, वो हूँ थोड़ा उन्होंने रबता टुटिया हो? हूँ टुटिया है, हूँ पिछले साढ़े वाकफ ही ने। उ जाके कि शहर से बैठे ने? वो बैठे सन जला गुरदासपुर। ये गुरदासपुर बैठे? हाँ जी हाँ जी। ये पिंड चो जिन्हें भी उठे ने सारे गुरदासपुर ही बैठे ने? मुख्तलिफ इलाका चो, अमृतसर को, पठानकोट को, गुरदासपुर कोई, जलंधर कोई, लुधियाने, मुख्तलिफ इलाके च। अच्छा, असल गल है भी वो सिख सन उधर दे। अच्छा, वो जेड़े जेड़े पिंडा चो आए सन ना आबाद आबाद होने वास्ते, जो आबाद होने वास्ते मरबिया थे, हाँ जी, उन्होंने पिंडा च वापस चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों के सन। एक साडे पिंड इत्थे मुसलमान भी आए सी फौजी। अच्छा, उन्हें ना असी सुल्तान खान चौहान। अच्छा, उनका मुरबा जमीन का इतने हूँ भी उनकी औलाद जी इतने आबाद है। अच्छा, पुल के अगे उनका मुरबा अड्डे के कोल, मुरबा पंजियां किलियां का सुल्तान खान चौहान सी, वो पिछू रंगल डंगल दे ने, पिछू अमृतसर दे सन। अच्छा, वो फिर इधर माजर हो गए, रंगल डंगल आए थे, मुरबा उन्होंने अंग्रेज दौर का मिलया सी। सही, ये मुरबा हूँ भी अपना गड्ढे बीजते उन्होंने औलाद इतने आए वे। अच्छा, ये दसो कि जेड़े वो यार बेली, हाँ जेड़े हान दे जिन्हां दे नाल इन्हां ही गलियां च खेड़दे रहे हो, हाँ जी, उन्हां नूं मिलन ते दिल करदा है? बिल्कुल करदा है। उन्हां नूं कोई सुनेहा देना है ते दियो कैमरे दे विच दसो। ओ सुनेहा ए है मेरा उन्हां नूं, बई मेरा नाम नूर है, मैं लंबरदार मम्मन दा पुत्तर हाँ, तुहानू किसी नूं मेरा नाम थे याद होवे ते मेरे नाल यार रबता ही करो। मैनू ये पता नहीं भी तुसीं कित्थे कित्थे आबाद होए हो, तो अनु दा अपने पिंड का पता ही है ना,
तुहानू साढ़े घर का भी पता है, मेरे बाप के नाँ का भी पता है, मेरे नाँ का मैं तुम दस दिता, मेरा नाँ नूर है, हूँ मैं नंबरदार हाँ अपने प्यो की थान से। तो यार मेरे नाल कि रबता ही कर लो, सारी उम्र प्यो दादा रल के वसया है। लो बाबा जी, अल्लाह पाक तुहाडी हयाती करे, तुहाडे नाल पुरानी गल्लां दी सांझ करके बड़ा मज़ा आया। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे जी।